हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और आज रेसिपी में मैं करेली का भरवा बना रही हूँ दोस्तों, और बहुत एकदम यूनिक रेसिपी है। मसाला एकदम ट्रेडिशनल तरीका से मैं बना रही हूँ, बहुत जायकेदार है और टेस्टी भी है, और उसमें प्रोटीन तत्व बहुत पाए जाते हैं करेली में। करेली में दोस्तों बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, आप लोग शायद जानते होंगे। तो मेरा वीडियो बड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा वीडियो स्किप ना करिएगा, वीडियो फुल देखिएगा दोस्तों। आप लोग के लिए मैं बता रही हूँ कि करेली के जो भरवा लोग बनाते हैं, वो करेली के भरवा में ऊपर वाला पार्ट्स छील देते हैं, या पूरा करेली को छील करके और उसमें नमक हल्दी लगा करके और पानी को निचोड़ के भीग देते हैं। तो वो बहुत गलती करते हैं, वो ना भीगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वही जूस में विटामिन तत्व तो पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है और चीनी परसेंट है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसको बहुत मदद करता है उसमें। और उसमें विटामिन ए बी सी विटामिन है, और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से उसमें बहुत तरह के तत्व पाए जाते हैं, और हम लोग करेली डेली खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और करेली के जूस बनाकर पिए चीनी पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल वाला, डेली खाली पेटे एक करेली दो करेली आपको जितना खिला रहा है खा सकते हैं, भोजन की तरह बहुत फायदा करता है। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं दोस्तों सोचती हूँ कि मेरा रेसिपी बनाया हुआ पूरा इंडिया के हर किचन में मेरा रेसिपी पहुंचे। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है और यही मेरा मिशन है। जहां से भी आप लोग देख रहे हो, जिस कंट्री से आप लोग देख रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट जिस जिला से देख रहे हैं, स्टेट से देख रहे हैं, मेरा वीडियो को फॉलो करिएगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या मैं सामान ली हूँ इसमें डालने के लिए सामग्री। तो इसमें सामान में मूंगफली दाना लिए हैं, और मेथी दाना है, आदी है, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और कलंजी, सौंफ, हरा मिर्च कटिंग करके ले लिए हैं, और लहसुन, सूखी मिर्च है, टमाटर है, और चना का बेसन, कटे हुए प्याज। एक क्वांटिटी मैं अपना हिसाब से ली हूँ, मेरा 1.5 केजी करेली है, तो उसके हिसाब से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। आप लोग को जितना बनाना होगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये 1.5 केजी करेली के लिए 1 केजी 500 ग्राम करेला है, तो इसके लिए इतना सामान मैं ली हूँ और मसाला तैयार करती हूँ। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले एक किनारे वाला पार्ट्स को काटकर हटाते हैं। करेला बहुत किस्म के लोग बनाते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे या घर में बना रहे हैं। बहुत सारे गृहिणी हैं कि वो करेला को छीलकर उसको कड़वापन निकालने के लिए वो नमक डालकर और पानी को निचोड़ देते हैं। वो काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना विटामिन है से सब इसका कड़वापन में ही है, बाकी तो ये बच जाएगा सीठी आपका। तो ये गलत काम कभी मत करिएगा ये कड़वापन के चलते, क्योंकि कड़वा जो है वही इसका में विटामिन है। क्योंकि चीनी पेशेंट को आप लोग जान रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल को, कि करेले के जूस कितना फ़ायदा करता है। एक करेला का जूस हम डेली बनाकर इसको पिएंगे तो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले इसको हम छीलेंगे,
छिलका को छील करके मसाला में तैयार करेंगे। करेली में विटामिन कितने पाए जाते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं नहीं ना? अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखे ज़रूर बताइएगा। तो आइए कुछ जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैरोटीन, बीटो कैरोटीन, लूटिस, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फाइबर, कैल्शियम से भरपूर है। तो इस तरह से ये हार्ट अटैक में बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत कम करता है। तो इस तरह से हम लोग के करेला खाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है जो टॉक्सिन को ख़त्म करता है और शरीर के लिए बहुत मददगार है। तो आइए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सारा छिलका को मैं उतार ली हूँ, देखिए इस तरह से लच्छा है। तो इसको मैं फ्राई करते समय ये सब टूट जाएगा, इसको तो दोबारा नहीं काटना है और इसको फेंकना भी नहीं है। इसी तरह से छील करके बहुत सारे गृहिणी लोग हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं कि नमक डाल के सारा पानी इसको निचोड़ देते हैं। मेन इसमें जो प्रोटीन तत्व है वही फेंक देते हैं। एक ऐसा भूल कर भी नहीं करिए दोस्तों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है। और ये सब छिलका मत भीगिए। वो कहावत भी है कि आम को आम गुठली को दाम, इसका छिलका से लेकर के बीचा तक भी नहीं भीगा जाता है। इस तरह से देखिए सब छील लिए हैं, फिर आगे के प्रोसेस दिखाते हैं कि कितना इसमें गुण है करेला में। और जितना भी होगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप वीडियो ओपन करिएगा और आप बनाइए और करेला खाना अभी से शुरू कर दीजिए आप लोग। इतना करेला में गुण है। सबसे पहले कढ़ाई को बैठा लिए हैं, इसमें पानी डालेंगे करेला को उबालने के लिए। इसको हाफ इसको बॉयल करेंगे पानी में। थोड़ा सा पानी में नमक डालते हैं कि थोड़ा सा स्वाद उसका करेला में भी आ जाए बाहर से। और इसको एक एक करके इस तरह से डाल देते हैं। अब इसको ढक देते हैं, बाकी के और काम करते हैं। मसाला तैयार कर लेते हैं दूसरा चूल्हा पर। तब बारी बारी से सारा मसाला को पहले फ्राई करते हैं। अजवाइन 2 चम्मच लिए हैं, जितना भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, हजम करता है, पाचन बढ़ाता है। अजवाइन, सौंफ, जीरा और मिर्च, इसको थोड़ा हल्का रोस्ट करेंगे। अब मेरा हो गया है ये रोस्ट, ज़्यादा नहीं जलाना है, इसको बाहर करते हैं। सिंग दाना डालते हैं, कुछ ज़्यादा था इसमें। अब मूँगफली को भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं, एकदम हल्का करना है क्योंकि साथ में इसको पकाना है। इसमें से आप लोग जो भी आप लोग सामान दोस्तों देख रहे हैं, तो इसमें से 2-4 सामान आपको पास नहीं है तो पर भी भरवा बहुत अच्छा बनेगा। जैसे आपको पास मूँगफली दाना नहीं है तो ये स्किप कर सकते हैं, बेसन आपको पास नहीं है या टमाटर तो ये सब, मेथी दाना अगर है तो डाल दीजिए, फायदा करेगा। और इसमें मेथी डाल देते हैं साथ में। सबसे पहले सरसों का तेल डालते हैं। सबसे पहले कटी हुई आदि को डालते हैं। बारी बारी से अब सारा मसाला को डालते हैं, फ्लेम को लो रखेंगे। हरी मिर्च, लहसुन, लहसुन आदि और मिर्च का लोग पेस्ट बना कर डाल देते हैं, ये कभी नहीं डालना चाहिए इस तरह से। जो भरवा बनाते हैं ना उसमें कटिंग करके ही डालना चाहिए, और जो ग्रेवी बनता है ना उसमें पेस्ट डाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
और इस तरह से बनाइएगा एक बार तो आप लोग के समझ में आएगा, बहुत अच्छा बनेगा, एक बार में ही बहुत अच्छा बनेगा। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका से आप लोग के बता रहे हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। एक खाना बनाने का एक कलाकारी है, तो आप लोग इस तरह से एक बार बनाइए मेरे ट्रिक से और कमेंट लिखकर बताइए मेरा रेसिपी बनाया हुआ आप लोग के कैसा लगा। और इसमें छिली हुई करेला का छिलका है, और टमाटर को भी डाल देते हैं, चेक करते हैं करेला को। थोड़ा सा हल्का इसमें देखिए कट होने लगेगा, तो मेरा हो गया है, फ्लेम को बंद करते हैं। इसको ले जाइए वहाँ, कुछ इसमें ड्राई मसाला डालते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर है हाफ चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच से पूरा भर के एक चम्मच है, दो बार हाफ हाफ डाले हैं। और एक चम्मच चना का बेसन, ये मसाला जो रोस्ट करके रखे थे पाउडर बनाने के लिए, अब देखिए जा रहे हैं पाउडर, इसको बनाते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से एकदम थोड़ा दरदरा पीसना है, अब इसको भी मिक्स करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे करेला के बीज को नहीं दिखाए, तो दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था ना, इसीलिए दो चूल्हा पर करके और जल्दी जल्दी बना रहे हैं। करेला का बीज मैं दिखाऊँगी, वो बाद में उसको फ्राई करके इसमें डाल दूँगी। बाकी इतना मसाला मैं तैयार कर ली हूँ। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं, आम चूर्ण पाउडर डालते हैं, आप स्वाद के अनुसार डालिए, ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो, और लेमन का जूस भी आप डाल सकते हैं, मैं आम चूर्ण पाउडर डाल रही हूँ। अभी मसाला मेरा तैयार हो गया है, देख लीजिए इसी तरह से बनाना है, वीडियो में आप लोग के नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको मसाला बढ़ाना होगा तो आलू भी बॉयल करके और मैश करके इसमें आप भूंज के भर सकते हैं साथ में, मैं आलू नहीं डाली हूँ इस तरह से, वो भी बहुत टेस्ट लगता है। तो फिल्म को बंद करते हैं, फिर आगे प्रोसेस दिखा। तो देखिए सारा करेला को उबाल लिए हैं, देखिए आप लोग के मैश के दिखा रहे हैं, इस तरह समझिए कि पूरा पक गया है। तो इसको फ्राई करने में टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसको हेल्दी बनाना है, ज़्यादा ऑयल भी खाना नुकसान है। और सबको मैं बीज निकाल ली हूँ इस तरह से, एक बीज मैं निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ इस तरह से, ऐसे करेंगे। और इस हाइब्रिड का है, इसमें बीज बड़ी कम होता है इस तरह से, और इसे छोटा छोटा भी वैरायटी के आता है, करेला तो उसमें बहुत ज़्यादा बीज रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। तो अब इसको देखिए सारा बीज को निकाल लिए हैं, अब इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि पहले मसाला हम भून चुके हैं तो बीज नहीं निकाले थे। पैन गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं, अभी तो पका हुआ है, थोड़ा सा खाली इसको हल्का ब्राउन करना है। देखिए दोस्तों तो ये बीज को मैं फ्राई कर दी हूँ, देख लीजिए इस तरह से, अब उसी में मिक्स कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं, अब इसको फिलिंग करते हैं।
इस तरह से कढ़ाई से बाहर कर दिए हैं और देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, एकदम लग रहा है कि मुंह से अभी से पानी आने लगा, इतना टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। सभी को मैं फीलिंग कर दी हूँ इस तरह से अंगूरी से दबा दबा करके। आपको जितना भरना होगा भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें कम भरिएगा तो इसे मुंह सटाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपको भर के दिखा रहे हैं कि जब आप फ्राई करेंगे ना तो उस समय ये निकलना शुरू कर देता है, तो इसके लिए ब्लॉक करेंगे ना धागा से तो ये मुँह जुटेगा नहीं। तो इस तरह से बता रहे हैं आपको, इस तरह से एकदम मुंह के बराबर भरिए ऐसे, और इसे ब्लॉक कर देंगे तो ज़रा भी मसाला नहीं निकलेगा। तो सबके बांध के दिखाते हैं। इस तरह से धागा लेंगे, कोई धागा आप ले सकते हैं, मतलब कॉटन होना चाहिए, अंटी के लीजिए या मोटा धागा लीजिए, और जो गदा वगैरह बनता है ना वो वाला भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको उठाएँगे और इस तरह से दबा करके और इसको इस तरह से लपेट देंगे इस तरह से, ऐसे बांध देने से इतना आराम हो जाता है कि ज़रा भी इसका फीलिंग बाहर नहीं निकलेगा। आराम से अलट पलट के आप फ्राई कर सकते हैं। तो बाकी के सब बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सब इस तरह से इसको ब्लॉक कर दिए हैं धागा से। ये बहुत आसान ट्रिक है, मसाला आपको नहीं गिरेगा। तो अब फ्राई करते हैं इस तरह से, जितना आएगा एक बार में डाल देंगे। चार गो डाल दिए हैं और इसको ढक के पकाते हैं। अब इसको चिमटा के मदद से इस तरह से पलटेंगे, आपको पलट पलट के और सेकेंगे, सारा को पलट देते हैं। सारा पलट दिए हैं और फिर तोप देते हैं। तेल बहुत छीटा मार रहा है, थोड़ा सा पानी है उसमें, ढक के पकाने में आसानी। ये अब मेरा हो गया है, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से उघर जाता है, ये डबल था मेरा। इस तरह से वो छोर पकड़ लीजिए और आराम से इसे खींच दीजिए और सब निकल जाएगा। ये आप चाहिएगा तो ये धागा भी यूज में आ जाएगा। तो इस तरह से करेली भरवा बनाना है और मछली जैसा देखने में लग रहा है। अभी रुक दीजिए ना, अब इसको क्या करना है, सारा धागा को उघाड़ दिए हैं, देख लीजिए थोड़ा बहुत एक आध और छोटा मोटा टुकड़ा है। तो अच्छी तरह से सब उघर जाता है। अब इसको पीस में काटेंगे, जैसे आप पसंद करना चाहते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा पीस है, बड़ा बड़ा करेला है, तो ये तो आखा खाने के लिए बनेगा ही नहीं। तो इसको काट के आप लोग के दिखाते हैं, इस तरह से छोटा छोटा पीस बनाएंगे इस तरह से, और सारा करेली को एक बार हम काट लेंगे इस तरह से, है ना। मज़ेदार सा रेसिपी दोस्तों, बहुत टेस्टी लगेगा। मेरा एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, सावित्री सिन्हा किचन को सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों।
और सारा को मैं काट के आप लोग को दिखाती हूँ। सारा करेली भरवा को मैं देखिए मछली की तरह काट दिए हैं, एकदम देखने में लग रहा है कि फिश है। करेली भरवा बनकर तैयार है दोस्तों। देखिए आप लोग के मेरा बनाया हुआ करेली भरवा कैसा लग रहा है वो मुझे फीडबैक शेयर कीजिए और आप लोग सजेशन दीजिए कि और आप लोग के लिए मैं क्या बनाऊं। और मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरे वीडियो के समय देने के लिए आप लोग के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।